करके क्लास 12 के लिए इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका कंपोजिशन पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। कंपोजिशन पार्ट जो हमारे हाफ लगभग 40 मार्क्स का आता है और उसमें 4 नंबर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इनविटेशन वाला। इनविटेशन में मैंने आपको कल फॉर्मल इनविटेशन पढ़ाया था। फॉर्मल इनविटेशन में मैंने आपको एक्सेप्टिंग कैसे इनविटेशन की रिप्लाई में हम स्वीकार करते हैं, उसका जवाब देते हैं, कैसे जो फॉर्मल इनविटेशन हमें मिलता है उसको हम डिक्लाइनिंग करते हुए अस्वीकार करते हुए जवाब देते हैं। अब उसका दूसरा पार्ट जो है वो है हमारा इनफॉर्मल रिप्लाई। इनविटेशन में चल रहा है इनफॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल का मीन होता है अनौपचारिक जवाब। इसमें हम एक्सेप्टिंग पढ़ेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि एक बार हमारे चैनल मधुर साइंस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से आपको हमारी वीडियोस मिलते रहें। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट करने के बजाय उसके क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रिप्लाई ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यू आर रविंद्र यादव, आपका नाम दिया हुआ है रविंद्र यादव। यू तो नाम आपको क्या दिया गया है, रविंद्र यादव। You have been invited by your friend Lokesh Mathur. और आपको अपने मित्र लोकेश माथुर के द्वारा इन्वाइट किया गया है। किस लिए इन्वाइट किया गया है, To attend his daughter's ring ceremony. उनकी जो पुत्री है उसकी शादी सालगिरह जो है सगाई का जो फंक्शन है उसमें आपको आमंत्रित किया गया है और वो फंक्शन है 2 मई 2020 को at 8 PM 8 बजे रावत होटल जयपुर में। यहाँ आपको इनवाइट किया गया है और इनवाइट किसने किया आपको, लोकेश माथुर जो आपकी फ्रेंड है। आपका नाम बता दिया, रविंद्र यादव। अब हमें डिटेल में क्या पता चला कि किसे, आपका नाम क्या है, आपको इनविटेशन मिला है और इनविटेशन किससे मिला है, ये दोनों बात पता चल गई। इन्विटेशन किस चीज का है वो भी हमें पता चल गया और इन्विटेशन की डिटेल क्या है वो भी हमें पता चल गया। अब करना क्या है वो लास्ट लाइन में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रेस्पोंड इट। रेस्पोंड का मीन होता है जवाब देना, किसी चीज की प्रतिक्रिया करना। कोई चीज हमें मिलती है तो उसके जवाब में हम क्या करते हैं, रेस्पोंड इट इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से आप इसका जवाब दीजिए, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को स्वीकार करते हुए। यहाँ लाइन दूसरी लिखी भी आ सकती है, वो लिखा हुआ आ सकता है राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। इस टुकड़े की जगह ये जो टुकड़ा मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह लिखा हुआ आ सकता है राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, बात की है। इसकी बजाय ये भी लिखा हुआ आ सकता है रेस्पोंड इट इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से जवाब दीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब बात हुई है आपको इनफॉर्मल जवाब देना है और स्वीकार करते हुए देना है। अब स्वीकार करने के लिए मैंने आपके सामने ये बना दिया है, तो सबसे पहले एक बॉक्स फ्रेम करेंगे। अब आप इसको देखकर याद कर सकते हैं कि 9th क्लास और 10th क्लास में आपने इनफॉर्मल लेटर पढ़े, वही इनफॉर्मल लेटर है। जो काम आपने इनफॉर्मल लेटर में किया था वही काम हमें इसमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इसका रिप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस लिखना है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो वो एड्रेस लिखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है, केवल नाम दिया हुआ है, तो मैंने इसका एड्रेस अपने मन से लिख दिया है 98 दुर्गापुरा, प्लाट नंबर लिखकर कॉमा लगाएंगे, दुर्गापुरा बीकानेर, ये आपका खुद का एड्रेस हो गया है। अब इसके बाद में डेट, डेट कौन सी आएगी, डेट वो आएगी जिस दिन आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप डेट मेंशन कैसे करेंगे, आपकी फंक्शन की जो डेट है 2 मई है तो जाहिर है रिप्लाई तो पहले ही जाएगा, तो उससे पहले की डेट आपको यहाँ पर राइट करनी है 29 अप्रैल 2020। एक एक लाइन का एक गैप रहेगा, डेट से ऊपर भी एक लाइन छूटेगी और नीचे भी एक लाइन हमें ड्रॉप करनी है। अब आप किसे लिख रहे हैं उसको संबोधन करना है, तो डियर लोकेश, हो सकता है आपको जो इन्विटेशन भेज रहा है वो आपका दोस्त नहीं है, कौन है, तो हम क्या लिखें, तो आप डियर लगाकर उसका नाम लिखते हैं, जो भी है किसी को भी लिख सकते हैं, डियर लोकेश नाम हमने लिख दिया। इसके बाद में आप लाइन लिखेंगे, आई एम वेरी रैप्चर, मैं बड़ा परम आनंदित हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं बड़ा हर्ष हूँ, हर्षोल्लास से भरा हुआ हूँ, टू गेट योर काइंड इनविटेशन, क्या करते हुए, तुम्हारा सादर आमंत्रण प्राप्त करते हुए। जो इनफॉर्मल रिप्लाई होता है
इसमें हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ही यूज करते हैं, थर्ड पर्सन का यूज नहीं करते हैं। और फॉर्मल रिप्लाई जो होता है उसमें हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं। इसलिए कल वाले वीडियोस में मैंने ही, शी, दे, हिज, देयर इनका यूज किया था, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ केवल फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का यूज। तो आई एम वेरी रैप्चर, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ टू गेट योर काइंड इनविटेशन। ये लाइन आपको याद रखनी होगी और इस लाइन को आप लिख दें, आई एम वेरी रैप्चर, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ टू गेट योर काइंड इनविटेशन, तुम्हारा आमंत्रण पत्र प्राप्त करके। अब इसके बाद में आप जो हमारा क्वेश्चन है उसमें डिटेल दी गई है, अटेंड से पहले टू लगा हुआ है, वहां से लेकर जो हमारे फंक्शन की डिटेल है वहां तक हम सेंड कर सकते हैं। सैम हमने राइट कर दिया, टू अटेंड योर, हमें चेंज करना पड़ेगा टू अटेंड, इसमें हिज दिया हुआ है क्योंकि लिखने वाला थर्ड पर्सन है, हम यहाँ सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हिज का क्या हो जाएगा, योर, क्योंकि लिखने वाला कौन है, फर्स्ट पर्सन आई, तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। टू अटेंड योर डॉटर्स रिंग सेरेमनी ऑन 29 अप्रैल 2020 8 PM एट रावत होटल जयपुर। तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपके द्वारा, आपके द्वारा जो आई एम वेरी रैप्चर, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ टू गेट योर काइंड इनविटेशन, आपका साधन आमंत्रण प्राप्त करने में। साधन आमंत्रण क्या है, टू अटेंड योर डॉटर्स रिंग सेरेमनी ऑन 2 मई 2020 एट 8 PM एट रावत होटल जयपुर। रावत होटल जयपुर में 8 बजे 2 मई 2020 को जो आपकी पुत्री की सगाई है उसका इनविटेशन प्राप्त करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इस लाइन का सेंस ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें करना क्या था, वो तो क्वेश्चन में दिया था, रेस्पॉन्ड जवाब देना था, इनफॉर्मली वो हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें करना क्या है, एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना है, उसको डिक्लाइन नहीं करना है। यह वाला वर्ड आपको बताएगा कि स्वीकार करना है या डिक्लाइन करना है, स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। तो एक्सेप्टिंग करनी है हमें, तो हमने क्या लिखा, आई एक्सेप्ट इट बॉडी एंड साउंड, मैं इस आमंत्रण पत्र को स्वीकार करता हूं तन मन से, तहे दिल से। बॉडी एंड साउंड का मीन होता है तन मन से, तहे दिल से। इसके बजाय दूसरा वर्ड भी हम लिख सकते हैं, आई हार्टली एक्सेप्ट इट, मैं तहे दिल से इसको स्वीकार करता हूं, या ये लिख सकते हैं, आई एक्सेप्ट इट बॉडी एंड साउंड, मैं तन मन से इसको स्वीकार करता हूं। बॉडी मीन्स तन हो जाएगा, सॉल मीन्स मन। आई विल डेफिनेटली अटेंड दिस फंक्शन विथ माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ, मैं अपने परिवार के साथ निश्चित रूप से इस फंक्शन में शामिल होऊंगा। तो उसने बता दिया, आई विल डेफिनेटली अटेंड दिस फंक्शन विथ माई फैमिली, मैं अपने पूरे परिवार के साथ निश्चित रूप से इस फंक्शन में शामिल होऊंगा। विथ रिगार्ड, सम्मान के साथ, योर्स, तुम्हारा, रविंद्र, योर्स लिख देंगे, फिर जो ये रिप्लाई लिख रहा है उसका नाम हम लिख देंगे। अब विथ रिगार्ड्स भी आपको लिखना है, जिसको भी आपने लेटर लिखा है उसके सम्मान के लिए विथ रिगार्ड्स भी आप लिख देंगे, सह सम्मान आपने उसको जवाब दे दिया है, योर्स, तुम्हारा, रविंद्र। अब आप इसको पढ़कर देखें और पढ़ने के बाद इसको राइट डाउन करें, राइट डाउन करके इसको लर्न भी करेंगे। अब आपको करना क्या है, आप जैसे मैंने फंक्शन लिखे हैं ऐसे ही फंक्शन और भी होते हैं, जैसे सन्स, मैरिज, इसका आप अपने मन से बनाइए, ठीक है, स्टेप इन सेरेमनी, स्टेप इन सेरेमनी, गृह प्रवेश जो होता है उसके लिए आप बनाएंगे, ठीक है। तो इन दो का आपको इनफॉर्मल रिप्लाई देना है, और वो कैसे देना है, स्वीकार करते हुए। डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कौन सी तारीख को, कहाँ पे, कैसे, ये दोनों बनाएंगे और इसको नोट डाउन भी कर देंगे। थैंक यू फॉर